सो वेलकम बैक गाइस टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कैंपफायर व्लॉग्स। तो एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सो आप सब कैसे हैं? होपफुली सब बढ़िया ही होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो यार अभी अभी कॉलेज से छुट्टी हो गई। कितने बज रहे हैं? 3:30 बज रहे हैं, मतलब 3:16 हो रहे हैं, है ना। और कॉलेज में था आज हमारा एक वर्कशॉप सी थी, है ना। कल लेबर ख़त्म हुआ, आज वर्कशॉप रख रखी थी, फिर भी तुम्हारा भाई आया। और अब यहाँ से हो गई है छुट्टी। तो अब ना दोस्त है यहाँ पे पास में नोएडा सेक्टर 62 में, उसका कॉलेज है। तो उसका फ़ोन आ गया, कह रहा भाई कॉलेज जाए आज। मैंने कहा हाँ भाई कॉलेज ही हूँ। तो कह रहा आजा मिल ले यहाँ पे, फिर साथ चल लेंगे, घर घर के पास ही रहता है। तो मैंने कहा चल भाई ठीक है, मेरे यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर ही है 62, तो आ जाता हूँ। बाकी पहले तो यहाँ से चलते हैं जल्दी से कॉलेज से, करते हैं एग्ज़िट। ठीक है तुम्हारे भाई का कॉलेज, और कॉलेज से करते हैं यहाँ से एग्ज़िट, और जल्दी से लेता हूँ यहाँ से फिर मैं मेट्रो, और फिर आप लोगों को मिलता हूँ आगे। तब तक रुकते ही। तो हमने कॉलेज से ले लिया एग्ज़िट, बाहर निकल गए हैं। अब यहाँ से लेते पहले ऑटो, ऑटो लेके जाएगा हमें मेट्रो स्टेशन तक, और फिर वहाँ से बस 20 मिनट की दूरी पर है हमारे भाई का कॉलेज, वहाँ देखते हैं। और देखते हैं कैसा ऐसा कॉलेज, मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगा उससे। कॉलेज बता तो रहा है कि काफ़ी अच्छा है, वहाँ से BBA कर रहा है वो, और सोलह मॉडलिंग वगैरह, पता नहीं कर तो क्या रहा है, मॉडल वॉडल तो कुछ नहीं है। बाकी देखते हैं, जो जल्दी मिलता हूँ मैं आप लोगों को ऑटो में। सो गाइस अब हमें ऑटो, तो हाईवे है ना, तो कॉलेज से निकलते ऑटो मिल गया था। अब हमने ऑटो ले लिया, ये यहाँ से लेगा जैसे 20 रुपये लेगा, 62 उतार देगा, और फिर जल्दी से आप देखिए जल्दी पहुँचा देंगे हाईवे पे। तो हम लोग यहाँ से जल्दी से पहुँचते हैं 62, और 26 जनवरी की वजह से थोड़ी चेकिंग भी चल रही है रोडों पर। बाकी हम जल्दी से पहुँचते हैं 62 पर। सेक्टर 62 हम लोग, क्या मैं ही पहुंच गया सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से मेट्रो है 10 मिनट की 12 मिनट, तो फिर यहाँ से जल्दी से मेट्रो में चेक इन करते हैं। 26 जनवरी की वजह से चेकिंग चल रही है बढ़िया, जल्दी से मेट्रो में चेक इन करते हैं और फिर चलते हैं आगे। गाड़ी अच्छी लग रही है यार, 26 जनवरी की वजह से ना इतनी चेकिंग चल रही है हर जगह मेट्रो में। सही भी है कि कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए चेकिंग बढ़िया होनी भी चाहिए, थोड़ा सा पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। अभी एक भाई थोड़ा कर रहा था कि जा इतनी टाइम लग रहा है, वो लग रहा है, तो यही था। बाकी स्टेशन पे आ गए हैं, बस 12 मिनट में फिर हमारे पास होगा हमारा स्पर्श भाई। और अभी बात हुई, कह रहा भाई कॉलेज से निकल रहा हूँ, बाहर मिल जाइयो। मैंने कहा चल ठीक है भाई 16 पे ही आ जा फिर, तो फिर वहाँ मिलते हैं। और जल्दी से मेट्रो आती है फिर बैठता हूँ उसमें, और आप लोगों को दिखाता हूँ मेट्रो। ब्लू लाइन है वैसे तो, ये खाली है अभी, थोड़े बहुत लोग हैं। जल्दी से चलो मेट्रो आती है, बैठते हैं उसके अंदर। तो यार सीट वगैरह मिल गई मेट्रो में, सबसे अच्छी बात बताऊँ मतलब जो भी लास्ट स्टॉपेज होता है ना उसमें ये होता है कि सीट मिल जाती है ईजिली, लास्ट स्टॉपेज जहाँ पर भी होता है, तो सीट मिल गई है, यहाँ बैठे हैं। और अब जल्दी से यहाँ चलते हैं आगे, और 16 पे मिलता हूँ आप लोगों को। भाई लोग मेट्रो से ले लिया एग्ज़िट। अब ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारे भाई के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मैं भी समय से पहुंच गया हूं और वो अभी भी कह रहा है भाई 5 मिनट लगेगी बस आने में कॉलेज से। पहली बात तो मैं कॉलेज जा रहा था, फिर उसने कहा कॉलेज में था, साथ में घर ही चल रहे हैं, तो मैंने कहा चल भाई पहले कुछ खा लेंगे। तो कह रहा है चल तू आ जा इतने में मेट्रो पर, अब मिलता हूँ तेरे को। अब क्या हो गया भाई, कोई नहीं आओ लेट आओ। अब भाई मैंने ऑर्डर कर लिया पिज़्ज़ा, और अब वो कह रहा है मैं दूंगा बिल तू आ जा। अब मैंने पिज़्ज़ा कर लिया ऑर्डर, और वो देखते हैं कितनी देर में आता है। अब मेरी भला से वो कितनी भी लेट आए पैसे क्योंकि वो ही देगा, लेकिन उसका कुछ पता भी नहीं क्योंकि पैसे अभी तक मैं दे भी चुका हूँ। चलो भाई कोई नहीं, अभी थोड़ा वेट करते हैं और पिज़्ज़ा देखते हैं, फिर चलते हैं वहाँ से, मिलता हूँ उससे। पिज़्ज़ा आ गया बढ़िया खाते हैं, और फिर अभी तक भी नहीं आया देख लो, है ना, 10 मिनट हुए हैं वैसे तो। अपना पिज़्ज़ा खाते हैं और फिर उसका इंतजार ही करेंगे और करेंगे। चलो मैं पिज़्ज़ा इंजॉय करता हूँ अपना, और बाकी आप लोग इतने देखो भाई अब मिला है। भाई भाई इतना लेट क्यों हो गया था, इतना लेट क्यों हो गया था भाई,
और भाई पिज़्ज़ा के पैसे तूने कहा तू देगा पिज़्ज़ा के पैसे, ले लियो भाई। भाई इसने पिज़्ज़ा के पैसे मैंने दे चुका हूँ और अब कह रहा है ले लियो। भाई लूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन भाई लेट हो गया। अब कहाँ जा रहे हम लोग? सीपी जा रहे हैं। सीपी जा रहे हैं यार अब यहाँ से, और आप लोगों को मिलता है सीपी। बढ़िया, मंदिर में दर्शन भी हो गए, थोड़ा बहुत खा भी लिया था। भाई कैसा रहा? बढ़िया रहा, एक दो हमने चीज़ें यहाँ पे देखी भी हैं थोड़ा, है ना। आज कुछ थोड़ा 26 जनवरी की वजह से कुछ चीज़ें थी ना, मतलब नेशनल से रिलेटेड उन्होंने देखा है। अब यहाँ से कहाँ चल रहे हैं भाई हम लोग? भाई इतना सा घूमे आज, अब समय भी नहीं था भाई, कॉलेज से निकले थे थोड़ी देर के लिए आ गए थे। अब यहाँ से जल्दी से चलते हैं अपना घर, और घर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राजीव चौक से लेनी पड़ेगी हम लोगों को मेट्रो। वहाँ से मेट्रो लेते हैं, मैं आप लोगों को मिलता हूँ मेट्रो में। ये देखो भाई कितनी मतलब लाइन लगी हुई है, और ये लाइन 26 जनवरी की चेकिंग की वजह से है। अभी मैं बोल भी रहा था जब 62 पे भी थे कि सही है, और ये चेकिंग हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही है। और वहाँ पर भी एक भाई ने मतलब थोड़ा लड़ाई कर रहा था तो, लेकिन कोई नहीं भाई, हम सपोर्ट करते हैं कि हमारी चेकिंग भी हो रही है। बाकी यहाँ से अभी हम राजीव चौक पे हैं, फिर कश्मीरी गेट वाली खाओगे? कश्मीरी गेट पे फिर देखते कुछ खाते पीते हैं। तो आज हम लोग आ चुके कश्मीरी गेट मैकडी, और आज के दिन तो मैकडी में भीड़ है, हर जगह भीड़ ही भीड़ मिल रही है। चलो भाई अब अपना ऑर्डर तो दे दिया है, अब ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ ऑर्डर टेबल पे। तो यार अपनी तो मील आ गई, दो बर्गर हैं, मैक पफ और कोल्ड कॉफ़ी, इसमें सेलेक्ट करी थी मील, जल्दी से खाते हैं। और भाई लेट हो रहे हैं थोड़ा सा, घर पहुँचते हैं फिर। सो हाँ जी गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने घर, बढ़िया मैकडी वगैरह में खा लिया था, फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं यार, बस वही अपनी मेट्रो पकड़ी कश्मीरी गेट से शाहदरा के लिए। और मैं वहाँ पे व्लॉग भी शूट नहीं कर पाया, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, है ना, क्योंकि चेकिंग चली रही है, उस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी मेट्रो में, और मैंने शूट भी नहीं करा। तो हमने कहा बस जल्दी से बस अब घर पहुँचते हैं, क्योंकि थोड़ा थक भी गए थे, मैं कॉलेज से भी निकला था, लेकिन और बेसिकली कोई ऐसा मतलब मूड भी नहीं था व्लॉग करने का। उसने जस्ट एक कॉल करी थी कि आ जा, तो मैंने कहा जब जा ही रहे कहीं ना तो क्यों ना क्यों व्लॉग करें। तो फिर बस बाकी थोड़ा बहुत मीटअप सही था नॉर्मल, बाकी ऐसा कुछ नहीं। और आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बाकी जुड़े रहिए कैम्फायर व्लॉग्स के साथ ऐसे कंटेंट के लिए, और बाकी सो सम लव यार, जल्दी से यार 1K करवा दो सब्सक्राइबर, फिर कुछ करते हैं अपने और कंटेंट में ग्रोथ करते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक इट, थैंक यू एंड जय हिंद।